फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। कल केंद्र चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में कोरोना के खतरे को देखते हुए रैलियों और जुलूसों पर रोक की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। अब यूपी समेत उन 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, जुलूस, रोड शो, साइकिल या बाइक रैली अब 22 जनवरी तक नहीं होंगी। इससे पहले रैलियों और जनसभाओं को चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही रोक दिया गया था और आयोग द्वारा कहा गया था कि 15 जनवरी को एक बार फिर बैठकर स्थिति देखी जाएगी, आंकलन किया जाएगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है कि कल चुनाव आयोग की समीक्षा के बाद क्या क्या बदलाव किए गए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इंडोर सभागार में हॉल की क्षमता से आधे लोगों की सभा की जा सकती है। यानी अगर किसी हॉल में 500 लोगों की बैठने की क्षमता है तो वहां केवल 250 लोग ही बैठकर आपको सुन सकते हैं। लेकिन यहां भी आयोग ने एक लिमिट तय कर दी है, अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। ऑब्जर्वर से कहा गया है कि वो मुस्तैद रहें और जनता की नजरों में रहें ताकि जनता को पता रहे कि उन पर निगाहें हैं। इसके अलावा बैठक में कोविड संक्रमण की रफ्तार और उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव और 5 राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने एक राय से बताया कि संक्रमण की रफ्तार अभी थमी नहीं है। हालांकि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की तीव्रता डेल्टा जैसी घातक नहीं है, लेकिन अभी पाबंदियों में छूट दिया जाना उचित नहीं है। बैठक में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उदासीनता और उपेक्षा पर चिंता जताते हुए सख्ती से उनका पालन कराने पर जोर दिया है। तो जुड़े रहिए हमसे, हम आपको पल पल के चुनाव से संबंधित अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। और जाइए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट और तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।